हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सो एक बार मुझे बता दीजिए आप सभी को आवाज बिल्कुल क्लियर है ऑडियो एंड वीडियो इज ऑल राइट गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, उत्कर्ष सनी प्रभात ओकुल उत्कर्ष सामेन मचेहर सिलू अभिषेक अर्चना सो so, चले वेरी गुड इवनिंग सभी का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा जानते हैं आप और ये क्लास जो है ये करियर ऐप के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी लाइव है और मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आ, दोनों जगह पे आपके कमेंट देख सकूं लेकिन आपका फोकस मेरी बातों पे रहेगा और आज ये पहली क्लास है इंग्लिश स्पेशल बैच की तो मैं थोड़ा सा एजेंडा आपको बता देता हूँ क्या कुछ करने वाले हैं आ, यहां पे मैं देख पा रहा हूं बैच से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज हैं वो क्वेरीज मैं यहां पे शुरू के पांच मिनट में आ, लेने की कोशिश करूंगा और लेने की क्या मैं सारी बातें आपको बता दे रहा हूं जो भी आपके सवाल होंगे तो देखो ये इंग्लिश स्पेशल बैच है फाउंडेशन बैच है इसका मतलब कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक चलता है आ, इस बैच का जो ड्यूरेशन होता है वो कुछ हंड्रेड प्लस आवर्स का होता है एक घंटों से ज्यादा का समय होता है यहाँ पे और इस बैच में आप ग्रामर कैबलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों एरियाज़ को डिटेल्ड मैनर में पढ़ते हैं ठीक है सो ये इसके और, और कोई फीस अच्छा यहां दिख नहीं रही होगी आपको फीस जस्ट इलेवन नाइनटी नाइन है आपकी राइट और कोर्स वैलिडिटी जो है ये भी एक साल की है यानी आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो और आज के बाद एक साल तक कोर्स तो आपका कुछ साढ़े पांच महीनों में लगभग पूरा हो जाता है उसके बाद भी आपके पास ये कोर्स बना रहेगा राइट वन ईयर की वैलिडिटी है इसमें और जैसे मैंने बताया इंग्लिश स्पेशल बैच है इसका मतलब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बिल्कुल बेसिक लेवल से अग, अगर अंग्रेजी बिल्कुल हिली हुई है तो ये बैच बिल्कुल आपके लिए सूटेबल है राइट सो बेसिक टू एडवांस लेके चलते हैं हम यहाँ पे और जो तीनों हमारे एरियाज हैं ग्रामर है है और कॉम्प्रिहेंशन है ये तीनों एरियाज यहां पे कवर होंगे ठीक है अब थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं हम किस तरीके से काम करते हैं वैसे इतने बैचे जा चुके हैं जानते हैं आप सब बट जस्ट एक फॉर्मेलिटी है पहली क्लास है बताना होता है हमें देखो ग्रामर में जो हमारे एरियाज हैं अगर हम सीधा एस एस सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और जब मैं सीजीएल कह रहा हूं तो इसमें सी एच एस एल एम टी एस सीपीओ स्टेन ओ सब कुछ कवर हो जाता है तो अलग अलग मत पूछना आप इसमें ऐसा नहीं कि सिलेबस अलग हो जाएगा कुछ सो so, ग्रामर का मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं यानी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब वर्ब कंजंक्शन टेंसेज राइट वॉइस नरेशन क्वेश्चन टैग एंड आर्टिकल ये टॉपिक्स आपके इस बैच में होते हैं ग्रामर के अंदर और ये सब सारे के सारे जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो सारे कवर हो जाते हैं होने का तरीका क्या है सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर चैप्टर के रूल नहीं समझ में आ जाता है तो उसके जैसे भी सवाल बनेंगे में, वो आप आसानी से कर लेंगे तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे तो क्वेश्चन बैच में आ, मैं अगर कहूं तो पंद्रह से ज्यादा तो आप ग्रामर के ही क्वेश्चन लाइव क्लास में प्रैक्टिस करेंगे प्लस राइट right? और पार्ट्स ऑफ स्पीच के ज्ञान के ऊपर ही आपका एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एरिया आता है जानते हैं आप और उसके बाद दो और टॉपिक है हमारे पास वॉयस एंड नरेशन जिसका वेटेज काफी होता है एसएससी के एग्जाम में राइट right? और इसके भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में जो बेसिक हमारे टेंस वाले फॉर्मेट है उसके बाद जो स्पेशल केसेस हैं सब कुछ करते हो आप और उसके बाद सीजीएल मेन्स के जो आए हुए क्वेश्चन हैं हम उनको लाइव क्लास में प्रैक्टिस करते हैं उनसे भी आप करीब हंड्रेड प्लस क्वेश्चन लाइव क्लास में प्रैक्टिस करोगे तो ये तो रहा पूरा हमारा ग्रामर का एरिया फिर आती है बारी हमारे कॉम्प्रिहेंशन की जिसका अगेन एग्जाम में वेटेज काफी ज्यादा होता है राइट और जानते हैं आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है 200 में 30 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्लोज टेस्ट आपके 25 के करीब क्वेश्चन है पैरासिम्बल्स 20 से 22 के करीब हैं फिलर्स के क्वेश्चन हैं ये हमारा एक मेजर चंक होता है एग्जाम में लेकिन कई बार हम इसे ध्यान नहीं देते तो यहां पे वो भी बहुत डिटेल्ड मैनर में आप पढ़ोगे इन सभी टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो अप्रोच है जो टिप्स है, है ट्रिक्स है उनको सीखने के बाद आप सीजियल uh, मेन्स के ही मैं सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि अगर मैं क्लास में सीजियल मेन्स के क्वेश्चन प्री भी होता है जैसे पैरासिम्बल्स में मैं पहले प्री फिर मेन्स की तरफ हम जाते हैं धीरे धीरे ग्रेडिंग ग्रेडेशन uh, के पैटर्न में जैसे लेवल वन लेवल टू इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है उस पैटर्न में क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं और इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि इन सभी टॉपिक्स में मैंने सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और फिर आती है वोकेब्लरी की बात तो आपको पता है वन वर्ड सब्सिट्यूशन है uh, के हैं एडियम्स एडियम हैं फ्रेजल वर्ब है, है, है uh, इन सभी को हम यहाँ डिस्कस भी करते हैं इनके ऊपर क्लास में आपके जैसे बाकी टॉपिक्स हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन होंगे प्लस इनसे जुड़ा हुआ जो रीडिंग मटेरियल है स्टडी मटेरियल है वो भी आपको एक साथ मिल जाता है तो ये एक ओवरव्यू हो गया इस पर्टिकुलर बैच के बारे में कि आप सब कुछ पढ़ोगे बिल्कुल डिटेल मैनर में पढ़ोगे बेसिक से पढ़ोगे ठीक है और आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज नाउन तो उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आज सो आ जाइए अब ये बेसिक जानकारी आपको सभी मिल गई यहां पे अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर आज का क्योंकि ऐसा नहीं क्योंकि डेमो क्लास वाली बात है टॉपिक से सीधा हम शुरुआत करेंगे आइए पढ़ना शुरू करते हैं नाउन अब अगर मैं आपको पूछू नाउन क्या होता है तो ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है आप सभी को पता है ऐसा भी नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे नाउन राइट जरूर पढ़ा होगा कहीं कही ना कहीं लेकिन ये जो एक कॉन्सेप्ट वाला अप्रोच होता है कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि हम चीजों को रटें क्योंकि नाउन एक जो ऐसा चैप्टर है ये फैक्ट्स का चैप्टर है ये फैक्ट्स का चैप्टर है इसमें कॉन्सेप्ट कुछ बहुत ज्यादा नहीं है और जहां पर इतने ज्यादा फैक्ट्स हों कि कौन सा नाउन सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है बहुत सारी जगहों पर आप लॉजिक भी नहीं लगा पाओगे राइट right? तो इतने सारे जो हमारे फैक्ट्स हैं उनको किस तरीके से हमें दिमाग में डालना है इसका भी एक अप्रोच है तो उस अप्रोच के साथ ही हम इस टॉपिक को लेकर चलेंगे और दूसरी बात कि जो हमें जो भी एग्जाम्स आप राइट कर रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपको भी पता है वो न्यूज से उठाए जाते हैं वो मैगजीन से उठाए जाते हैं सेंटेंसेस तो हर जगह पर मिलेंगे चाहे वो एरर डिटेक्शन है चाहे इंप्रूवमेंट है चाहे आपका वॉइस नरेशन है तो जो हमारे जो नाउन का अप्लीकेशन है वो हम कितना बेहतर समझ पाते हैं तो आइए मैं यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं सबसे पहले थोड़ी सी टेस्टिंग करते हैं और उस सेंटेंसेस के बाद फिर हम इसकी परिभाषा और टाइप्स और बाकी सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे पहला सेंटेंस है आपके पास बधाई हो अ बधाई हो वॉज लॉडेड मोर देन मोर देन अ जीरो ये न्यूज़पेपर का सेंटेंस है इंडिया टुडे में या इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था राइट मैगजीन में या अखबार में अब आप मुझे ये बताओ मतलब इस तरह का सेंटेंस आया था आपकी राय में ये क्या लगता है ये सेंटेंस जो है ये सही है या गलत है अब बधाई हो लॉडेड मोर देन जीरो और yes नो no बस बताना है कैसा लग रहा है सेंटेंस रॉन्ग है राइट है वेरी गुड प्रियंका विकास तेजस्वी करण देख पा रहा हूं मैं यूट्यूब पे भी कमेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं इधर भी स्वीटी विमला योगेश रॉन्ग है रॉन्ग है रॉन्ग है correct है करेक्ट right राइट है रॉन्ग है ठीक है ना मैं इसी को टेस्ट करने की बात कर रहा था यही हमारे कॉन्सेप्ट का अप्लीकेशन है ये नहीं कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस हर थिंग और ये थोड़ी अधूरी डेफिनेशन है नेम ऑफ एनी थिंग कैन बी कॉल्ड नाउन लेकिन पॉइंट ये है कि हम नाउन को समझते कितना है अब अखबार में अगर ऐसा सेंटेंस मिला और ये उठा करके उन्होंने आपके एग्जाम में दे दिया देन आर यू कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग दिस सेंटेंस आर नॉट तो आपकी जानकारी के लिए चलो दूसरा सेंटेंस मैं लिखने जा रहा था लेकिन आपने जवाब भर भर के दे दिए तो मैं बता ही दूं वैसे मैंने थोड़ा हिंट दे ही दिया था कि ये न्यूज़पेपर में इस्तेमाल की गई लाइन है तो जाहिर तौर पे करेक्ट होगी ये लाइन करेक्ट है ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है लेकिन अब ये अलग बात है अब बधाई हो जो है आपको पता है एक नाम है किसका नाम है तो फिल्म का नाम है और जीरो भी मैंने यहां पर कैपिटल्स में लिखा है यह भी किसका नाम है एक फिल्म का नाम है परिभाषा तो रट ली

ये भी प्रॉपर नाउन है ये भी एक स्पेसिफिक नाम है एक फिल्म का तभी यहां पे कैपिटल्स में लिखा हुआ है क्योंकि ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल्स में लिखते हैं अब प्रॉपर नाउन के पहले क्या इन जनरल हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं क्या अब जैसे आपके इतने सारे नाम है यहां पर या किसी का भी नाम ले लो आप क्या उसके नाम के पहले आप द लगाते हो क्या इन जनरल आप बोलोगे क्या द सचिन तेंदुलकर इन जनरल बार बार मैं बोल रहा हूं ग्रामर में यह बार बार बोलता हूं इन जनरल बोलोगे क्या नहीं आप प्रॉपर नाउन के पहले इन जनरल आर्टिकल नहीं लगाते तो अगर आपने ये बात दिमाग में रट के बैठ ली कि प्रॉपर नाउन के पहले इन जनरल आर्टिकल नहीं लग... मैं इन जनरल बोल रहा हूं आप रट सकते हो कि नहीं लगता तो आप इसे कहोगे गलत लेकिन जैसे ही बधाई हो प्रॉपर नाउन से पहले ये ए आर्टिकल लगा है तो अगर आपने आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन कर दिया तो ये किस तरह का भाव व्यक्त करना शुरू कर देगा यह व्यक्त करने लग जाएगा कॉमन नाउन ये कॉमन नाउन ये कॉम्पिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं स्कूल का टेस्ट नहीं है कि बेटा नाउन के टाइप्स लिख के आने वहां पे या सबके एग्जाम्पल लिखने वो तो किताबों में लिखा ही है वो तो पढ़ाई है हमने और वो यहां पे भी पढ़ेंगे बट जस्ट क्योंकि पहली क्लास है मैं थोड़ा सा ग्रामर के अप्रोच को क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूं उम्मीद है कि आप समझेंगे और साथ देंगे अब देखिए आप यहां आर्टिकल प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कहा मैंने प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन में भी हमने बात की कि ये पर्टिकुलर नाम होता है किसी का कॉमन नाउन क्या है भाई हिंदी में से जातिवाचक संज्ञा कहते हैं यानी वो एक शब्द जो पूरी जाति का बोध कराता हो आपको पूरी क्लास का बोध कराता हो तो कॉमन नाउन इज ए वर्ड जो कि आपको इंफॉर्मेशन देता है पूरी क्लास का अब इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है ये समझने की कोशिश करो ये 2018 की बात है डेफिनेटली उसी साल ये फिल्में आई थी और बधाई हो कि अगर बात की जाए तो इसमें आपको दिखाई दिए थे आयुष्मान खुराना और जीरो की अगर बात की जाए तो यहां पे दिखाई दिए थे एसआर के आया ना और अगर हम फिल्म की सफलता की बात करें कि बॉक्स ऑफिस में कौन सी फिल्म ज्यादा सफल की गई मतलब पसंद की गई दर्शकों के द्वारा कौन सी फिल्म ज्यादा सफल हुई तो ये सभी को पता है कि बधाई हो हुई, हुई लेकिन बधाई हो किसी सो so कॉल्ड बड़े स्टार की फिल्म नहीं थी बिग बजट फिल्म नहीं थी और जीरो जो था वो सो so कॉल्ड बड़े स्टार की फिल्म थी और बिग बजट फिल्म हो सकती है बिल्कुल तो अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कॉमन नाउन एक क्लास रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब बधाई हो जैसी फिल्म ज्यादा उनकी तारीफ की गई लिखा गया है अब बधाई हो वॉज लॉडेड मोर देन जीरो यानी बधाई हो जैसी फिल्म है। क्लास की बात हो रही ना कॉमन नाउन कॉमन नाउन के जितने भी मेंबर्स होंगे सभी की एक क्वालिटी कॉमन होगी तभी तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं आया ना बॉय कॉमन नाउन है तो सब लड़के ही हैं ये कॉमन है उसमें तो यानी बधाई हो जैसी फिल्में इनको ज्यादा तारीफ मिली किन जैसी फिल्मों के मुकाबले जीरो जैसी फिल्मों के मुकाबले तो उसी साल रेस थ्री भी आई सलमान खान की राइट यहां पे जीरो आई फिर ठक्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान की आई और ये तीनों फिल्में उस साल फ्लॉप हुई और अखबार में ये लाइनें यूज की गई कि एन अंधा अब ये लाइन भी इस्तेमाल हुई थी न्यूज में एन अंधाधुन डिफीटेड डिफीटेड अ रेस थ्री एट बॉक्स ऑफिस राइट ये भी अखबार में आया था अब आपको आपके एग्जाम में मिल जाए तो आपको होगा ये गलत है ये गलत है ये तो अनकाउंटेबल नाउन ना आर्टिकल कैसे लगा दिया लेकिन वही बात कि जिनके पहले नहीं लगता प्रॉपर नाउन है स्पेसिफिक है पर्टिकुलर है इन जनरल नहीं लगेगा लेकिन जैसे तुमने आर्टिकल लगाया ए लगा दिया एन लगा दिया गिनती दे दी गिनती देते ही वो बन जाएगा काउंटेबल और काउंटेबल होता कौन है कौन काउंटेबल होता है कॉमन नाउन कॉमन नाउन की गिनती कर सकते हो वो प्लूरल होता है इन जनरल प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं होता लेकिन जैसे ही आपने प्रॉपर के पहले आर्टिकल लगाया आपने उसको कॉमन बना दिया और सेंटेंस में अगर कॉमन नाउन का सेंस निकल के आ रहा है तो वो सेंटेंस बिल्कुल जस्टिफाइड है और करेक्ट है तो इंग्लिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप ये हर एक चैप्टर में ऑब्जर्व करोगे अगर आप थोड़ा होश में पढ़ते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो अपने सभी सिर्फ रूल नहीं रटते तो ये आपको हर जगह नजर आएगा कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनके एक्सेप्शन आपको जरूर नजर आएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन वहां से मिलेंगे क्योंकि पेपर सेटर को पता है कि मोस्टली बच्चे इतनी गहराई में इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ना वो समझते हैं तो आपको पूरी क्लैरिटी चाहिए और ये चैप्टर जो नाउन है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सब्जेक्ट कौन बनता है नाउन बनता है या नाउन का इक्विवेलेंट बनता है वहां उसकी समझ आपको चाहिए नाउन के रोल कितने सारे हैं सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये क्लैरिटी हमें चाहिए यहां पे बात समझ में आई तो अंधाधुन भी देखो वही बात अब ए लगा था तो इधर एन लगा दिया ये दूसरा सेंटेंस है कि अंधाधुन ने डिफीट कियर यानी अंधाधुन जैसी फिल्मों ने रेस्थी जैसी फिल्मों को दो में बॉक्स ऑफिस पे परास्त किया पराजित किया ज्यादा बेहतर कमाई की तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया थोड़े से बेहतर लेवल के क्वेश्चन का जैसे जो भाई हमारे अभी सीजियल मेंस आगे देने वाले हैं राइट या आप उस लेवल पे हैं लेकिन अब मैं थोड़ा सा चलता हूं आपके और बेसिक लेवल पे और मैं चाहूंगा कि यहां पे सभी लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे बहुत ही बेसिक ये एम लेवल पे ये सब नाउन का ही खेल है पहले थोड़ा सा यूसेज देखें इसके ये एक सेइंग है और दूसरा सेंटेंस अब आपको बताना है कि आप इन दोनों में से कौन से शब्द को चूज करेंगे और मैं इनके ऊपर नंबर लिख देता हूं ए एंड बी आप कमेंट में लिखोगे दो लेटर्स जो आपको लग रहा है उस ऑर्डर में लिख दो मान माली, लीजिए आपको यहां पे बी लग रहा है या ए लग रहा है यहां ए लग रहा है यहां भी ए लग रहा है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ए ए लिखना जो भी लग रहा हो आप कॉमेंट करो आप ये सभी का सही होना चाहिए जस्ट हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमारी पहली क्लास है हम किस लेवल पे है हाँ जी ए ए बी ए ए बी ए ए देखो हाँ जी राठौड़ जी ये पहली क्लास है दिव्या प्रशांत पिया विजय अभिषेक सुनील देखो हम किस किस लेवल पे घायल हैं राइट जब भी कोई काम शुरू करें हम तो ये जरूर क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें काम किस पर्पज के लिए करना है और किस लेवल तक करना है चैप्टर शुरू करने से यह नहीं बस पढ़ ही रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं पता ही नहीं अब इतना बेसिक क्वेश्चन अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कहां पे घायल हैं आओ देखते हैं अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बचपन से सुन रहे हो ये प्रैक्टिस नाउन है और ये प्रैक्टिस वर्ब है इसका मतलब अभ्यास होता है और इसका मतलब अभ्यास करना होता है ये वर्ब हो गया सी और एस का फर्क यहां पे नजर आ रहा है और वही बात की बचपन से पढ़ रहे हैं कि नाउन सेंटेंस का क्या बनता है सब्जेक्ट बनता है हा या ना तो यहां पे मेक्स आपका वर्ब है वर्ब से पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आया ये यहां पर नाउन है तो इसी के साथ जाओगे ना पहले नंबर पर ए आ गया यहां पर आप क्या देख रहे हो यू शुड प्रैक्टिस शुड क्या है भाई मॉडल वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद क्या आएगा मेन वॉब आएगा अभी पता लग गया एस वाला वॉब है तो यहां पे क्या होना चाहिए ये होना चाहिए बहुत सारे भाई सही हैं लेकिन जो गलत है मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि बहुत बेसिक है ये बहुत बेसिक है और अगर आप इस चैनल पे हैं या इस प्लेटफॉर्म पे हैं करियर विल पे हैं या, या यूट्यूब पे हैं इतना तो आपको भी लग रहा होगा ये तो हमें पता होना चाहिए लेकिन गड़बड़ कर देते हैं हम और फिर कहते नंबर नहीं आते वो तो चलो मैंने एन अंधाधुन जो पूछा वो थोड़ा सा बेहतर लेवल का सेंटेंस था था नाउन पे ही प्रॉपर नाउन पे ही था प्रॉपर नाउन पे ही था लेकिन अपन नाउन की परिभाषा रट लेंगे नोट बना लेंगे लाल पीले कलम से समझ नहीं आएगा वो कि एक कैसे सेंटेंस में कैसे उसका अप्लीकेशन है तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए अब ये जैसे बहुत बेसिक लेवल पे था अब इस सवाल का जवाब क्या होगा जो मैंने आपको लिखने के लिए कहा था पहले नंबर पर ए आ गया और दूसरे नंबर पे बी आएगा जिन लोगों ने ए बी लिखा था वो करेक्ट मैंने ऑलरेडी कहा है ये बिल्कुल बेसिक लेवल है ये बिल्कुल बेसिक लेवल है तो फिर वही बात दोहराऊंगा कि जब भी कोई काम शुरू करो कोई टॉपिक पढ़ो कहां पे हो ये शुरू में पता होना चाहिए तो पता लगता है कि जाना कहां पे है और जहां जाना है और जहां हूं उसका गैप कितना है तब हम सही तरीके से उस गैप को भर पाते हैं आइए अब थोड़ी सी टेस्टिंग हो गई अब आ जाओ वापस आ जाओ अब नाउन की परिभाषा के साथ शुरू कर लेते हैं और झटके तो नहीं चाहिए झटके नहीं थे ये बस एहसास था कि हम कहां पे गड़बड़ करते हैं <laughs> देखिए नाउन आपको बात समझ में आ गई नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन अब आप कहेंगे कि सर एक परिभाषा हमने बचपन से पढ़ी वो क्या थी नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस आर थिंग नाउन तो उस परिभाषा में एक कमी थी क्योंकि आप वहां पे पर्सन की बात कर रहे हैं प्लेस की बात कर रहे हैं थिंग की बात कर रहे हैं नाउन का एक प्रकार जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं या हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं वो न तो पर्सन है न प्लेस है न थिंग है तो फिर कुछ जगहों पर किताबों में बेहतर थोड़े डेफिनेशन दिए गए नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग और थिंग के साथ ब्रैकेट में लिखा जाने लग गया इनटेंजिबल थिंग एज वेल क्योंकि जो भावनाएं हैं वो इनटेंजिबल है आप उन्हें टच नहीं कर सकते तो इसलिए और ज्यादा बेहतर और एक्मोडेटिव डेफिनेशन आ गई कि नेम ऑफ एनी थिंग कैन बी कॉल्ड नाउन और नाउन इज नथिंग बट द नेमिंग वर्ड तो नाउन कुछ और नहीं होता नेमिंग वर्ड होता है अब अगर हम बात करें इस चैप्टर के बारे में कि किस किस पैरामीटर पे या किस किस आधार पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं तो वो काफी सारे हैं इसलिए ध्यान से आप सुने कि हम इस क्लास में उसको किस तरीके से अध्ययन करने वाले हैं सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होगा इसकी स्टडीज के अंदर राइट वो आपके टाइप्स ऑफ नाउन होंगे टाइप्स ऑफ नाउन होंगे राइट अब टाइप्स ऑफ नाउन की अगर बात की जाए तो आपको पता है प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, नाउन एक बार स्ट्रक्चर पूरा समझ लो चैप्टर का कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन, प्रौपर नाउन एबस्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन ये एक पैरामीटर के आधार पे ये पांच क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे एक तो ये हो गए अभी जैसे आपने समझा कि प्रॉपर नाउन पे ही मैंने सवाल आपसे पूछा था प्रॉपर नाउन नहीं था वो नाम था फिल्मों का आप नहीं जान पाए कि वो सेंटेंस सही है या गलत है या अभी जो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की बात हुई थी उसमें एक प्रैक्टिस जो है एसई वाला वो वर्ब था आपको पता है और सीई वाला नाउन है लेकिन वो किस तरह का नाउन है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अभ्यास है अभ्यास का भाव है भाववाचक संज्ञा है तो अभी जैसे दो जो क्वेश्चन आपको मिले मैंने बस यहां से पूछे थे आपके आपने ये भी देखा कि जब हम आर्टिकल लगा रहे हैं तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जा रहा है तो कहने का क्या मतलब है कि अभी हम इन सारे जो टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशन को समझेंगे समझेंगे रटेंगे नहीं समझेंगे उनके एग्जाम्पल्स को समझेंगे उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है यानी क्या बदलाव हो जाते हैं अब जैसे प्रॉपर नाउन को प्लूरल करते हो इन जनरल नहीं होगा प्ल्यूरल करते हो तो भी वो कॉमन नाउन बन जाता है राइट कॉमन नाउन के साथ कुछ छेड़छाड़ करोगे तो वो कुछ और बन जाएगा तो ये जो इनमें परमिटिशन कॉम्बिनेशन देख रहे हैं इन सभी को डिटेल्ड मैनर में समझेंगे हम ये एक तरीका ये है दूसरा आपको पता है नाउन की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल इस बेसिस पे भी आप नाउन को क्लासीफाई करते हैं और क्लासिफिकेशन भी काफी बड़ा है और बहुत सारे बेसिस पे करना पड़ता है तो इसको भी डिटेल्ड मैनर में करने के लिए हम इसको क्लासिफाई करते हैं देखो पहली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आ जाती है उन शब्दों की जो ज्यादा एग्जाम में दिए जाते हैं और आप थोड़ा सा उनमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं जो फॉरेन वर्ड्स वाली कैटेगरी है थोड़ी यानी अंग्रेजी में इस्तेमाल तो होते हैं लेकिन आए दूसरी भाषाओं से हैं आए दूसरी भाषाओं से हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर बात करूं अगर आपसे मैं यहां पर वर्ड लिख रहा हूं एल्यूमना यह वर्ड मैंने लिखा अब मैं आपको पूछूं कि यह शब्द सिंगुलर है या प्लूरल है क्योंकि अगर काउंटेबल होगा गिनती के योग्य होगा तो प्लूरल होगा अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते तो सिंगुलर कंसीडर करेंगे इन जनरल तो एलुमना शब्द सिंगुलर है या प्लूरल है क्या लग रहा है आपको यह बताएं आप या ऐसे ही बहुत एक बेसिक शब्द मैं अगर यह लिखता हूं कि यह शब्द की स्पेलिंग सही है कि गलत है या गलत है सही है वो ये भी बताओ आप और यह सिंगुलर है या प्लूरल है यह भी बताओ तो क्या जवाब होगा आपका तो इसमें अगर मैं भी आपके कमेंट देखूंगा तो कुछ लोग सिंगुलर कहेंगे कुछ प्लूरल कहेंगे देखो वो शुरू हो गया आधी जनता सिंगुलर कहेगी आधी जनता प्लूरल कहेगी तो मैं वही कह रहा हूं कि इसको कैटेगराइज करके समझना पड़ेगा इसमें प्रॉपर कैटेगरीज है अब जैसे ये शब्द अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है ये अलग से बिलोंग करता है यहां पर दोनों जो शब्द लिखे मैंने क्राइसिस जो वर्ड है ना क्राइसिस ये वर्ड आपका प्लूरल है और जो मैंने एलुमिना लिखा है ये सिंगुलर है इसका अगर प्लूरल बनाना हो तो क्या होगा वो एल्यूमे हो जाएगा ए के बाद ई लग जाता है और ये जो है प्लूरल है ये किस किस सिंगुलर से बना है ये क्राइसिस से बना है क्राइसिस सिंगुलर है आई को ई से रिप्लेस करके प्लूरल बना देते हो और यहां पे ए के बाद ई जोड़ करके प्लूरल बना देते हो तो आपको पता है एग्जाम में वो बॉय बौाय और बॉयज नहीं पूछेंगे कि वहां पे लिखा हुआ है बॉयज इज ऑब्लिकार सिंगिंग और आप खुश हो जाओगे हा बॉयज आर सिंगिंग वो तो उनको ही पता है कि आपको गर्ल्स और बॉय बॉय और बॉयज में क्या सिंगुलर है प्लुरल है पता है वो वहां पे आपको छेड़ते हैं जहां उनको पता होता है कि इन जनरल पता नहीं होगा इसको तो ऐसे शब्दों में जाके लेके वो छेड़ते हैं तो हमें हर जगह हर बार तैयारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है हम यहां एकेडमिक ज्ञान लेने बस नहीं आए कि अपना नोट भरे नोट लिखना है हर एक टॉपिक को समझना है डिटेल्ड मैनर में प्लस एग्जाम से क्या उसका रिलेशन है वो भी समझना है तो इसमें आपकी कुछ छह से सात कैटेगरीज आती हैं अब जैसे क्राइसिस क्राइसिस के अंदर बहुत सारे शब्द हैं एनालिसिस एनालिसिस एक्सिस बेसिस बेसिस बहुत सारे शब्द हैं वैसे यहां पे देखो फार्मूला फार्मुली बचपन से पढ़ा होगा आपने फार्मूला सिंगुलर होता है फॉर्मुल हो जाता है राइट एल्जेब्रा एल्जेब्री तो ये ऐसे शब्दों के साथ खेलना शुरू करते हैं क्राइटेरिया बहुत एग्जाम में पूछा जाता है अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहीं लेता हूं आपसे मान लो कहानी कुछ सेंटेंस में लिखी हुई है और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है उन्होंने हु हैज ऑब्लिक हैव कुछ आपको चूज करना है लंबा सेंटेंस है लेकिन जो बच्चा बिल्कुल तैयार है उसको पूरा सेंटेंस नहीं देखना होता उसकी निगाह जहां एरर है वहीं पे पड़ेगी और उसे तुरंत समझ आएगा कि यार एल्यूमे शब्द जो है ये क्या है ये प्लूरल है हु यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है ये इसका एंटीसीडेंट है इसके पहले आने वाला शब्द है इसका मतलब कि इसके बाद जो कुछ लिखोगे वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ये प्लूरल है तो हम यहां हैज के साथ नहीं जाएंगे हैब के साथ जाएंगे ये क्लैरिटी आपको मिलती है ऐसे ही मान लो किसी सेंटेंस में आ गया कि फेनोमेना विच इज नॉट एक्सेप्टेबल लिखा हुआ है कहानी लंबा सा सेंटेंस है हमें लंबे में जाना ही नहीं है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल तो बता तुरंत यहां पे समझ जाएगा कि यार ये जो है again, है अगेन रिलेटिव प्रोनाउन फेनोमेना शब्द आया है फेनोमेना प्लूरल नाउन है यहां पे ये इज गलत है यहां पे आर होना चाहिए राइट या उसके ऊपर इधर भी डिपेंड करेगा मान लो इधर लिखा होता है दिस इज द फेनोमेना दिस इज द फेनोमेना तब समझ में आ जाता है कि अच्छा क्योंकि यहां पे दिस इज लिखा हुआ है इस का इस्तेमाल हुआ है सिंगुलर है यानी यहां पे इज को नहीं छेड़ेंगे हमें इस फेनोमेना को सिंगुलर बनाना पड़ेगा और वो हो जाएगा phenomenon. तो आपको फिर तुक्का नहीं मारना पड़ता जब बहुत डिटेल्ड मैनर में आप पढ़ते हैं तो मैं भाई आपको समझा रहा था कि पिछले वाले सेंस में यहां पर किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर चलेगा तो हम पहले ये जितनी कैटेगरीज हैं इन शब्दों की जिनमें क्लैरिटी नहीं होती बच्चा कंफ्यूज होता वो सारा करेंगे फॉरेन वर्ड्स के बाद अगली बारी आएगी इट फाइव क्लासेस में और हम इसको कैटेगराइज करते हैं जैसे अब मान लो पुलिस के साथ सेंटेंस दिया हुआ है पुलिस के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा तो इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है तो कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं बट इस्तेमाल में प्लूरल हैं कुछ ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल हैं इस्तेमाल में सिंगुलर है कुछ ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर हैं अनकाउंटेबल हैं कुछ ऐसे हैं जो हमेशा ही प्लूरल हैं और कुछ ऐसे हैं चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उनके रूप में कोई बदलाव नहीं होता जैसे एयरक्राफ्ट शब्द है तो अभी रफाल एयरक्राफ्ट आया हमारे यहां तो अगर उन्होंने लिख दिया कि फाइव रफाल एयरक्राफ्ट हैव रीच्ड एट या हैड रीच्ड डेट जब भी आए थे अंबाला एयरपोर्ट पे अंबाला बेस पे एयरपोर्ट पे नहीं एयरफोर्स बेस पे तो अब वहां पे एयरक्राफ्ट वर्ड का इस्तेमाल गलत है आप चाहे एक एयरक्राफ्ट की बात करो हजार की बात करो एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट होता है तो ये वो चीजें हैं जहां से हमें सवाल पूछे जाते हैं तो इन पांच कैटेगरीज में मैं फिर कैटेगराइज करके आपको बताऊंगा और फिर तीसरी जो कैटेगरी है वहां पे भी चार क्लासेस में चार या पांच क्लासेस में मैं अगेन कैटेगराइज करके नाउन को आपको बताता हूं काउंटेबल अनकाउंटेबल में और ये कैटेगरीज कौन सी हैं इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन वाले कैटेगरीज हैं बहुत सारे जानते भी हैं आप लेकिन जब आप उनको कैटेगराइज करके दिमाग में डालते हैं ना तो सीधा एग्जाम के लिए मददगार होता है ये अब जैसे सभी को बताया कि वाटर जो है वो पानी है पानी अनकाउंटेबल है पानी को प्लूरल नहीं किया जा सकता लेकिन अगर सेंटेंस में आया हुआ है कि देयर इज सॉर्ट ऑफ टसल इन द वॉटर्स ऑफ साउथ चाइना देयर इज सॉर्ट ऑफ टसल बिटवीन इन द वॉटर्स ऑफ साउथ चाइना तो अभी वाटर्स ऑफ साउथ चाइना में वाटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पानी के लिए नहीं हो रहा है यहां समुद्र के लिए हो रहा है हम यहां पे बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी की तो ये जो एक्सेप्शन वाली चीजें हैं इनके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए इनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ओरिजिनली तो एडजेक्टिव नहीं है लेकिन एस लगा करके ओरिजिनली नाउन नहीं है लेकिन प्लूरल करते हो तो नाउन बन जाते तो वो सारी कैटेगरीज आप यहां पे देखोगे तो एक तो ये हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल का एरिया हो गया और यहां से काफी हद तक आपकी कमांड आ जाती है उसके बाद हम बात करते हैं कहां पे जो अगला एरिया है दैट इज अपॉस्ट्रॉफी यहां से भी हमारे पांच छह कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप बात करें तो नाउन के साथ ही जुड़ा हुआ है जेंडर आपका राइट नंबर नंबर का मतलब सिंगुलर प्लूरल तो ये ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर होगा नाउन चैप्टर का राइट आइए अब जब स्ट्रक्चर समझ लिया उपयोगिता समझ ली तो शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ वॉट इज प्रॉपर नाउन जो आपने डेफिनेशन याद की थी बचपन में उसी में एक शब्द जोड़ देना होता है पर्टिकुलर पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग ठीक ये तो बात हो गई डेफिनेशन की एग्जाम्पल लेना है आपको एग्जाम्पल भी ले लीजिए कोई भी नाम ले लो आप सचिन तेंदुलकर जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं पूरी संभावना है राइट कोई भी स्पेसिफिक नाम किसी जगह का नाम शहर का नाम वाट्स एवर ये सब किस में आ जाएगा ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा ठीक है सबसे पहले डेफिनेशनल लेवल पे बात करेंगे अगला है आपके पास कॉमन नाउन कॉमन नाउन क्या है प्रॉपर नाउन हो गया पर्टिकुलर नाम एक पर्टिकुलर नाम विशेष नाम लेकिन कॉमन नाउन अ नेम विच इज कॉमन फॉर ऑल द मेंबर्स All the members of a particular class. तो कॉमन नाउन वो नाम होता है जो किसी पर्टिकुलर क्लास के सभी लोगों के लिए कॉमन होता है राइट right? uh, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी में ऊपर वाले को व्यक्तिवाचक और इसको आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं अब इसके एग्जाम्पल में वही बात की आप ने बॉय कहा तो किसी भी लड़के के लिए कॉमन नाम है गर्ल किसी भी लड़के लड़की के लिए कॉमन नाम है किसी भी लड़की को गर्ल तो कह सकते हो आप कोई शहर है सिटी है दिस इज वॉट कॉमन नाउन इट इज अ कॉमन नेम कॉमन नेम ऐसे ही आप किसी भी सैनिक को क्या कहेंगे सैनिक ही कहेंगे सोल्जर इज अ कॉमन नेम फॉर ऑल द सोल्जर्स ऐसे ही किसी जज को आप क्या कहोगे जज ही कहोगे कॉमन नाउन है किसी भी खिलाड़ी के लिए कॉमन शब्द क्या है प्लेयर तो प्लेयर इज अ कॉमन नेम फॉर ऑल काइंड ऑफ प्लेयर्स प्लेयर खिलाड़ी एक शब्द है जो हर खिलाड़ी के लिए कॉमन है ये हो गया कॉमन नाउन और अब अगला जो है कलेक्टिव नाउन बहुत सारे बार कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कंफ्यूजन आता है तो आइए उसको भी दूर करते हैं कलेक्टिव नाउन और बड़ा फेवरेट एरिया है, यहां से भरपूर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले समझेंगे फिर एग्जाम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से एरियाज देखना शुरू करेंगे अभी तो डेफिनेशन लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए हमें देखो कलेक्टिव नाउन की हिंदी होती है समूह वाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा यानी पूरे समूह के लिए ग्रुप के लिए एक शब्द राइट सो कलेक्टिव नाउन इज वॉट वन वर्ड और वन नेम कह सकते हो नाउन है तो नेम ही होगा या वन वर्ड लिख लो वन नेम फॉर द ग्रुप वन वर्ड फॉर द होल ग्रुप पूरे ग्रुप के लिए एक शब्द एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो आप अब जो पीछे के कॉमन नाउन के एग्जाम्पल लिए थे ना वहीं से रिलेट करने की कोशिश करते हैं सोल्जर जो था ये कॉमन नाउन था यानी किसी भी सैनिक को सैनिक कहा जाएगा लेकिन सैनिकों के समूह को एक शब्द में आप क्या कहते हैं आर्मी कहते हैं आर्मी सेना होती है और सेना सैनिकों के समूह के लिए एक शब्द है ऐसे ही इसी भी जज को न्यायाधीश को आप जज या न्यायाधीश कहेंगे लेकिन अगर न्यायाधीश का ग्रुप हो जाता है जजेस का ग्रुप हो जाता है तो उसके लिए नाम क्या आ जाता है जूरी जूरी इज अ वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ जजेस वैसे ही अभी हमने बात की थी प्लेयर्स की प्लेयर क्या है कॉमन नाउन है और प्लेयर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं टीम टीम हमेशा खिलाड़ियों के समूह से बनती है राइट right, एक खिलाड़ी होगा वैसे बहुत सारे खेल ऐसे भी हैं जहां पे एक खिलाड़ी की ही टीम होती है बट इन जनरल टीम का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल और खिलाड़ियों के समूह के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं टीम का इस्तेमाल करते हैं दिस दिस इज इज कलेक्टिव नाउन है अब अगर हम यहां पर बात करें थोड़ा सा तो कलेक्टिव नाउन में दो तरीके से इन जनरल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एक तो तरीका है जस्ट नाम के ऊपर बेस्ड हो जाता है कलेक्टिव नाउन की लिस्ट आपने बहुत बार पढ़ी होगी शब्द लगाना कुछ और होता है लगा के कुछ और दे देते हैं वो ठीक है सो अब जैसे उन्होंने आपको सेंटेंस uh, में इस्तेमाल करके दे दिया कि ऑफ ग्रेप्स या समथिंग लाइक दैट तो आपको पता है कि नहीं ग्रेप्स के लिए बुके का इस्तेमाल नहीं होता बुके ऑफ फ्लावर्स होगा बंच ऑफ ग्रेप्स होगा राइट तो ये फर्क आ जाता है वहां पे तो एक तो वर्ड के साथ वो खेलते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड हमारे पास आते हैं uh, अब जैसे उल्लुओं के समूह के लिए क्या शब्द है हमारे पास उल्लुओं के समूह के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आता है पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट ऑफ आउल्स होता है उल्लुओं के समूह के लिए शब्द है पार्लियामेंट राइट ऐसे ही कौओं के समूह के लिए हम यूज कर लेते हैं मर्डर ऑफ क्रोज मर्डर ऑफ क्रोज मैंने इसीलिए कहा बड़े पिकुलियर से बड़े अजीब से इसलिए जानना बड़ा जरूरी होता है आपको समझ में आएगा लग रहा है कौओं की हत्याएं हो गई यहां पे नहीं यहां पे कोई किलिंग नहीं है बट दिस इज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ क्रोज राइट वैसे ही हमारे पास शब्द आता है आर् पैलगो ऑफ आईलैंड राइट आरकी पेलगो ऑफ आईलैंड यानी द्वीपों के समूह को आप क्या कहोगे आर् पैलगो का इस्तेमाल करते हैं हम जैसे आरकी पेलगो ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन आईलैंड सेशल्स नाम का जो देश है एक द्वीपों का समूह है तो बहुत इंटरेस्टिंग यहां पे आपके पास शब्द मिलते हैं जब हम कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स की बात करते हैं अब देखो जैसे हम आर्मी का इस्तेमाल अभी हमने आर्मी लिखा आर्मी भी होता है और कॉलोनी भी होता है किसके लिए एंट्स के लिए चीटियों के लिए तो जब चीटियों का समूह चल रहा होता है राइट तो उसे हम आर्मी का इस्तेमाल कर लेते हैं और चीटियों को मान लो कोई कीड़ा मकोड़ा मिल गया खाने के लिए और वो बिल्कुल उस कीड़े मकोड़े के ऊपर सारी एक साथ इकट्ठा हो गई तो वो क्या हो जाएगा दैट विल बी कॉलोनी ऑफ ants तो वो डिपेंड करेगा ऐसे ही आप देखो तो आपके पास आता है स्कूल स्कूल या शोल ऑफ फिश का इस्तेमाल करते हैं हम यानी मछलियों के समूह के लिए हम स्कूल ऑफ फिश और शोल ऑफ फिश दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो पानी में अगर एक जगह पे एक ही प्रजाति की मछलियां हैं सो दैट विल बी कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश या अगर पानी में एक जगह पे अलग अलग प्रजातियों की मछलियां हैं डिफरेंट स्पीसीज की मछलियां हैं तो हम शोल का इस्तेमाल करते हैं इवन फिश शब्द नाउन के तौर पे उस कैटेगरी में आता है जिसका इस्तेमाल आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में करते हैं जैसे अभी हमने एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट का लिया था कि अगर सेंटेंस में एक एयरक्राफ्ट हो पांच हो पांच हो एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट होता है एरोप्लेन का एरोप्लेन कर लेते हो आप फाइटर प्लेन्स की जगह फाइटर प्लेन और फाइटर प्लेन्स होता है लेकिन एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट होता है मैंने इसीलिए कहा कि नाउन जो है ना ये फैक्ट्स का चैप्टर है अब अंग्रेज लोगों ने बनाया है जैसा होता है वैसा होता है अब उसमें कितना लॉजिक लगाओगे आप लेकिन जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो उसे दिमाग में डालने के लिए दिमाग को भी एक माइंड मैपिंग की जरूरत होती है जिस टेक्निक से मैं आपको नाउन समझाने की कोशिश करता हूं तो ये स्कूल ऑफ फिश एंड शोल ऑफ फिश तो ये जानना बड़ा जरूरी है अभी हमने जूरी इस्तेमाल किया था जजेस के लिए वैसे वकील साहिबान के लिए क्या शब्द आता है इलोक्वेंस इलोक्वेंस ऑफ लॉयर्स इलोक्वेंस ऑफ लॉयर्स तो वकीलों के समूह के लिए वन वर्ड अब ये देखो जो वन वर्ड सब्सटी आता है उसमें भी कलेक्टिव नाउन पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है वो के सेक्शन में उनमें जो शब्द होते हैं वो या तो कॉमन नाउन होते हैं या कलेक्टिव नाउन होते हैं बिकॉज वो वन वर्ड पूछ रहे होते हैं एक शब्द क्या होगा ऐसे लोगों के लिए जो अब उन्होंने पूछ लिया मान लो वन वट इज अ वन वर्ड फॉर द पर्सन हु स्पीक्स इन स्लीपिंग नींद में बोलने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे तो सामनी लॉकविस्ट सामनी सोना लोका बोलना नींद में बोलने वाला तो वो एक कॉमन शब्द है उन सभी के लिए जो नींद में बोलते हैं तो सामनी लॉकविस्ट क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया नींद में चलने वाले को एक वर्ड में क्या बोलते हैं सामनम ब्यूलिस्ट ये क्या है ये कॉमन नाउन है तो वन वर्ड सब्सिट्यूशन इज नथिंग बट इन जनरल अगर वो इंसान के लिए पूछेंगे तो कॉमन नाउन होगा या कलेक्टिव नाउन होगा इंसानों की बात अगर करेंगे तो इलोक्वेंस ऑफ लॉयर्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि लोका रूट वर्ड यहां पे इस्तेमाल होता है वो के लिहाज से और लोका का मतलब ही होता है बोलना तो इलोक्वेंस जो क्वालिटी होती है वो कन्विंसिंग स्पीकिंग की होती है और जो भी जज साहब सॉरी जो भी वकील लोग हैं अधिवक्ता लोग हैं अधिकृत वक्ता हैं लॉयर्स हैं उन्हें अपनी दलीलों में बहुत कन्विंसिंग होना होता है दे आर इलोक्वेंट स्पीकर सपोजेडली होना चाहिए उन्हें और uh, इसीलिए उनके समूह को इलोक्वेंस कहते हैं तो इलोक्वेंस तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है क्वालिटी के तौर पे भाव के तौर पे और कलेक्टिव नाउन भी है तो ऐसे कलेक्टिव नाउन की बहुत सारी लिस्ट अवेलेबल है राइट वो हम स्टडी uh, मटेरियल में उसको ले लेंगे उसको डिस्कस करेंगे बस मैं आपको समझा रहा था कि ये वो एरिया है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं अब जैसे मान लो उन्होंने आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया इस तरह से लिख के आ, गैंग ऑफ सेलर्स सेंटेंस लंबा सा है बट गैंग ऑफ सेलर्स का इस्तेमाल हुआ है अब यहीं पे तो एरर है जो तो नाविक होते हैं नाविकों के समूह को हम गैंग नहीं कहते उसे हम क्रू कहते हैं डब्ल्यू -E क्रू राइट सो क्रू मेंबर्स ऐसे होते हैं तो वहां पे आप गैंग ऑफ रॉबर्स होते हैं। लुटेरों का गैंग होता है वही बात की कलेक्टिव नाउन में लगाना कुछ और चाहिए लगा के कुछ और दे देते हैं वो ये वो एरिया है क्योंकि हम एग्जाम्पल की जब बात कर रहे थे ना अभी बेसिक लेवल पे तो एग्जाम्पल में भी यहां पर खेल चलता है इसीलिए मैंने ये आपके साथ अभी डिस्कस किया है अब बारी आती है हमारे पास अगली एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाउन है और इससे भरपूर क्वेश्चन आपको मिलते हैं कंफ्यूजिंग वाले बेसिक लेवल पे अब देखो जैसे बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा यानी ये भावनाएं इमोशन फीलिंग्स आपको बताता है इन जनरल सबसे पहला सवाल जो मैं पूछता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से वो ये कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है यहां पर इन दो शब्दों की समझ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए थोड़ी मैंने पूछा है ये सब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव होता है क्या जवाब देंगे आप इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव होता है बोथ होता है सब्जेक्टिव होता है बोथ होता है चलिए आओ जरा जी इन दोनों शब्द भी क्लियर कर लो क्योंकि आप सब अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्परेंट हैं इन दोनों शब्दों की समझ आपको होनी चाहिए मेरे ख्याल से ज्यादा लोग इस गलत फहमी में हैं कि सर पूछ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है कि ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है नहीं मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं पूछ रहा वो तो दोनों हो सकता है वो तो दोनों हो सकता है हाँ ना भाई नाउन है तो सब्जेक्ट भी बन जाएगा ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा मैं वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा मैंने पूछा है ये सब्जेक्टिव चीज है या ऑब्जेक्टिव चीज है? है अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का फर्क समझ लो सब्जेक्टिव हम उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां उस चीज के बारे में उस बात के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है उसे सब्जेक्टिव कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव वो चीज होती है जो सभी के लिए कॉमन होती है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं इसीलिए आपके ऑब्जेक्टिविटी की टेस्टिंग होती है आपके एग्जाम के प्रथम चरण में आप देखें सिलेक्शन जो प्रोसेस है हमारा स्टेजेस में डिवाइड है ना प्री है मेन्स है टीयर थ्री है फिर आपके पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ जाती है बैंकिंग में बात करोगे तो वहां जीडीपी आई है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वहां पर भी है तो शुरुआत पहले चरण पे क्या होता है यूपीएससी का एग्जाम्पल हो गया वहां भी सी सेट है पहले पहले एबीसीडी खेलना है उसके बाद फिर लिखने की बारी आती है मेंस में पहले वो फिल्टर कर देते हैं वहीं से प्री से ही फिल्टर कर देते हैं यानी पहले आपके ऑब्जेक्टिविटी चेक की जाती है आपकी लॉजिकल पावर चेक की जाती है अगर उस पेपर में उस सेट में किसी क्वेश्चन का बी आंसर है तो जो भी उस सीरीज के सेट होंगे उन सभी में बी ही आंसर होगा आप कहीं पर भी एग्जाम लिख रहे हो या ना वो अलग तो हो नहीं जाएगा लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऐसे राइटिंग के लिए कोई टॉपिक दिया जा रहा है अब दस लोग अगर हैं वहां पे दस लोग दस तरह से उस टॉपिक को लिखेंगे और वहां से आप क्या हो इसकी समझ पैदा होती आप एज अ इंसान एज अ पर्सन क्या हो उसकी पता, उसका पता लगता है इसीलिए हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये सारे चरण रखे जाते हैं नहीं तो कैट एग्जाम के अंदर जो हंड्रेड परसेंट टाइलर है आईएम्स वाले उसको जीडीपीआई के लिए क्यों बुलाएं उनको तो फिर रेड कार्पेट बिछा के वेलकम करना चाहिए आइए साहब आइए वेलकम है आपका आप, आप देखेंगे जो भी हाई लेवल पोजिशन है हर जगह जीडी और इंटरव्यू होता है बिकॉज एग्जामिनेशन आपकी एक तरह की स्किल सेट्स को बताती हैं हैं चेक करती है। आपकी ऑब्जेक्टिविटी चेक हो जाएगी आप कितने लॉजिकल हैं खासतौर से जो एमसीक्यूज होते हैं हमारे लेकिन जब आपको खुद लिखना पड़ता है अब आप कैसे अंग्रेजी के सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसमें ग्रामेटिकल गलतियां हैं या नहीं है सेंटेंसिस का लेवल क्या है कहीं एक ही प्रोनाउन बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे सिर्फ ओपिनियन दे रहे हो या ओपिनियन के सपोर्ट में डेटा फैक्ट फिगर भी है आपके पास आप क्या सही तरीके से कोहेरेंस ऑफ थॉट्स है या नहीं लिखने में आपके आप वहां पे ऑर्डर में लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं ये सब चीजें वहां पे टेस्ट होती हैं जो भी अच्छे लेवल पे uh, जहां भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और उसके बाद लिखने के बाद फिर आपसे मुलाकात की जाती है एज एन इंडिविजुअल तो इन सभी जगहों पर आपकी सब्जेक्टिविटी चेक की जाती है इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया दस लोग अगर दस जवाब दे रहे हैं तो वो सिंपली ये बता रहे है कि वो दस लोग क्या हैं एज अ पर्सन उनमें कितनी डेफ्थ है उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है उनको तो यहां इसलिए वहां पे कोई सही गलत नहीं होता इसीलिए कहते इंटरव्यू बड़ी डाइसी चीज है अच्छा हो भी गया नहीं भी हुआ और उसमें कोई पैमाना भी नहीं कि पांच मिनट का इंटरव्यू हुआ तो सिलेक्शन जरूर होगा और दस आधे घंटे का हुआ तो नहीं होगा या होगा दोनों पॉसिबिलिटीज है वहां पर तो ये होता है सब्जेक्टिव तो जब मैंने पूछा आपसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है उसके पहले मैं आपसे एग्जाम्पल ही पूछ लेता हूं मेरे ख्याल से सभी लोग रट के बैठे होंगे बचपन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल क्या है काइंडनेस है अभी मैं लिखने के लिए कहूं भर भर के लिखोगे आप काइंडनेस लिखोगे ऑनेस्टी लिखोगे आया ना गुडनेस लिखोगे ये सब लिखोगे आप ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या ऑनेस्टी को मापने का कोई एक पैमाना है क्या ईमानदारी के भाव को मापने का कोई पैमाना है कोई यार्ड स्टिक है कि नहीं नहीं ये दस इसके अंदर दस ऑनेस्टी का लेवल है इसके अंदर पांच है नहीं है अलग अलग लोगों के लिए ऑनेस्टी का मतलब अलग अलग है कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं इतना तो चल जाता है कुछ कहेंगे नहीं ये बिल्कुल नहीं चलता तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव सी चीज है अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूं एक वर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटरेस्टिंग वर्ड ब्यूटी अब इस शब्द के बारे में आपकी क्या राय है ये शब्द नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है क्या लग रहा है बहुत बेसिक शब्द है हाँ भाव है बिल्कुल कोई मेजरमेंट नहीं है जी ब्यूटी नाउन है एडजेक्टिव है वर्ब है क्या लग रहा है बताओ या आपको कुछ और मन कर रहा हो भी बता दो पूरी फ्रीडम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई कमी नहीं है आठ है हमारे पास देखिए विश्वजीत एडजेक्टिव बता रहे हैं इधर भी विकास ओझा एडजेक्टिव शाहजाद आलम एडजेक्टिव फोकट नाउन कुमार अमित एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, शाहजाद नाउन एडजेक्टिव ओ माई गॉड कहा हिले हुए हैं मोबाइल में ब्यूटी मोड है फोटो खींचने के लिए लेकिन ब्यूटी है क्या वो नहीं पता हमें अब आओ तुम्हारी दवा की तरफ चलते हैं भाई जो महानुभाव यहां पे बोल रहे हैं एडजेक्टिव जरा वो सेंटेंस में यहां पर लिखता हूँ आप जस्टिफाई कर लेंगे जिन महान विभूतियों ने यह बताया है कि सर ब्यूटी एडजेक्टिव है आप मुझे बताइए यह सेंटेंस आपके गले के नीचे उतर रहा है क्या शी इज अ ब्यूटी गर्ल हम्म रट्टू तोते जहां अंग्रेजी रटोगे वहीं ठोकर लगेगी कहीं कुछ नहीं रटना होता यह सेंटेंस गले के नीचे उतर रहा है खासतौर से उन मैंने कहा उन महान भावों से देखिए सचिन कुशवाहा जी को एडवर्ब लग रहा है हाँ सर कमेंट करने को मिला है जो मर्जी करेंगे भाई साहब ये ब्यूटी जो है ये गलत है आपको ही पता लग रहा है और बहुत सारे लोग सही लिखना भी शुरू कर चुके हैं ये ब्यूटीफुल गर्ल होता है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल तो यानी बात क्या समझ हाँ? में आ रही है गर्ल यहां पे है नाउन और नाउन के पहले आकर के उसको मॉडिफाई करने वाला डिस्क्राइब करने वाला क्या होता है एडजेक्टिव होता है ब्यूटी शब्द हमारा यहां पे है नाउन और नाउन कैसे है वो भी जस्टिफाई कर लो हर एक चीज जस्टिफाई करनी है ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो तुम मान लो नाउन क्यों मानोगे भाई आ जाओ ये तो क्लियर हो गया ना यही सेंटेंस लिख लेते हैं देखो ये एक सेंटेंस भरपूर बचपन से यूज कर रहे हो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर आया ना Beauty इन द आईज ऑफ बी होल्डर सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है वाह वाह क्या लाइन है देख लीजिए यहां पे सुंदरता देख लीजिए ये सुंदरता है ये सुंदर नहीं है ये सौंदर्य है और शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं या सुंदरता यह भाववाचक संज्ञा है सुंदरता का भाव है सौंदर्य का भाव है और है क्या यह है आपका नाउन एबस्ट्रैक्ट नाउन है और अगर नाउन होगा तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा करता तो ये यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है वर्ब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है गिनती तो दे नहीं सकते भाव है ना भाई अभी बताया आपने कि भाव है भाव को थोड़ा गिनती दी जाती है कि दिस बीस ऑनेस्टी है और चालीस काइंडनेस है यू कांट से दिस राइट सो दिस इज एन एब्सट्रैक्ट नाउन एब्स्रेक्ट नाउन इज अनकाउंटेबल एंड यू कांट पुट द नंबर इन जनरल ड्रामे हर जगह है बहुत जगह पे एबस्ट्रैक्ट नाउन को भी प्लूरल करते हैं वो आगे हम देखेंगे कल की क्लास में अभी तो हम बेसिक डेफिनेशन डेफिनेशन लेवल पे खेल रहे हैं तो देखो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये नाउन हो गया और अब आ जाओ ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाले के बात के ऊपर एक हमारी क्रीम है भी शायद अभी थी मैं बोलने वाला था फेयर एंड लवली राइट फेयर एंड लवली में एड एडवर्टीजमेंट बड़े लंबे समय से चल रहा है आई थिंक अभी भी ब्रांड एम्बेसिडर यामी गौतम है तो उसके एड में आपको एक फेरोमीटर मिला करता था हाया ना फेरोमीटर में सात हफ्तों में रंग निकलता था तो अब वहां पे पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता वो मतलब उन्होंने ब्यूटी के लिए यार्ड स्टिक दे दी ब्यूटी के लिए यार्ड स्टिक दे दी ब्यूटी को बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव चीज बना दी एडवर्टीजमेंट में बट आप जरा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको सोचना शुरू करें कि इफ यू आर बोर्न एंड ब्रॉटअप इन नॉर्थ इंडिया देन आपके सुंदरता के पैमाने अलग हैं आपको लगता है इस तरह के नैन नक्श इस तरह के रंग रूप इस तरह के होट सुंदर होते हैं गो टू साउथ इंडिया द पैरामीटर ऑफ सुंदरता इज चेंज गो टू नॉर्थ ईस्ट पैरामीटर ऑफ सुंदरता इज चेंज गो टू सेंट्रल इंडिया चेंजड एंड फॉर दैट मैटर गो टू एफ्रीका द पैरामीटर ऑफ ब्यूटी इज एफ सिलुटली चेंज्ड तो फिर यामी जी को जाकर के या जो भी पीछे मॉडल्स रही है या जो एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं इस तरह के फेयरनेस क्रीम के उनको तो सीधा एफ्रीका जाना चाहिए अफ्रीकन लोगों को बोले नहीं नहीं ये क्रीम लगाइए और आप गोरे हो जाइए आया ना वो और भगा देंगे तो इसीलिए सुंदरता का पैमाना अफ्रीकन कंट्रीज के लिए बिल्कुल अलग है और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है वहां पे भी बच्चा अफ्रीकन कंट्रीज में भी जब हार्मोन्स उसके अंदर बदलते होंगे बारह तेरह साल का हो रहा है तो उसने भी किसी को देख के कहा होगा क्या बात है यार उसने तो आज पहली नजर में घायल कर दिया और आप सोच रहे हो यार भला ये घायल कर सकती है या ये घायल कर सकता है पहली नजर में इसके ऐसे बाल ऐसे होठ ऐसा रंग ये घायल कर सकता है तो भाई साहब आपके पैमाने पर वो सही नहीं बैठ रहा क्योंकि आपने सुंदरता को पैमाना दे दि दिया है और वो पैमाना डिपेंड करता है कि हम जहां से बिलोंग करते हैं जहां पैदाइश होती है जिस जगह पे रहते हैं भाई उनकी नजर में वो भी बहुत सुंदर है उन ये सब्जेक्टिव चीज है ये सब्जेक्टिव चीज है इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है दिस इज अब्जेक्टिव थिंग यू कैन नॉट डिफाइन अ पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर ब्यूटी फॉर डिफरेंट पीपल डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी इज डिफरेंट इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव थिंग इट्स नॉट लाइक वन किलोग्राम में एक हजार ग्राम होता है वो तो ऑब्जेक्टिव चीज है इंडिया में भी एक किलोग्राम में एक हजार ग्राम होगा अमेरिका में भी होगा अफ्रीका में भी होगा ऑस्ट्रेलिया में भी होगा लेकिन सुंदरता के पैमाने हर जगह पे अलग अलग है तो इसीलिए ये क्या है ये सब्जेक्टिव चीज है अब बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि वॉट इज सब्जेक्टिविटी वॉट इज ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा सा पढ़ाई और किया करो आप कि शब्दों के प्रयोग को समझ सको अब तो आपको समझ में आ गया कि इन योर सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारे प्रीलिम्स के स्टेजेस होते हैं वो हमारी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करते हैं बट द लेटर स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली हमारी सब्जेक्टिविटी को चेक करते हैं कि एज अ पर्सन हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हम चीज को किस नजरिए से देखते हैं एक ऑफिसर होने के नाते वो नजरिया ऑल एनकंपसिंग है यानी हर तरह का परस्पेक्टिव अपने अंदर होल्ड करता है या आप एक ले मैन की तरह एक ही पर्स्पेक्टिव का झंडा बुलंद कर रहे हैं राइट right? तो ये होती है बिल्कुल सब्जेक्टिविटी वाली चीज तो ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आओ अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के तरीके समझ लेते हैं क्योंकि ये बड़ा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है सो हाइए हाउ टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहला जो आपका तरीका है वो है कॉमन नाउन से कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं राइट आइए बनाना शुरू करते हैं कि हम समझ सके शब्दों को पहला जो शब्द मैं आपको दे रहा हूं वो दे रहा हूं चाइल्ड और अब आप मुझे बताइए कि चाइल्ड से बनने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेधड़क बताना एकदम तर इससे अच्छा कोई और नहीं बता सकता <laughs> अच्छा पिया शर्मा चले हाँ वही बात है ना एग्जाम्पल देना पड़ता है जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा <laughs> कि क्या सब्जेक्टिव है क्या ऑब्जेक्टिव है देखिए एग्जाम्पल भरपूर आने लग गए हैं चाइल्ड हुड चाइल्ड चिल्ड्रेन वाह वाह गरीबी बिल्कुल नहीं मेरे पास तीन तीन कमेंट के खुले हुए हैं यहां पे इस समय YouTube भी देख रहा हूं मैं ऐप भी देख रहा हूं आइए अब आपकी जो रचनाएं हैं मैं उनको यहां पे व्यवस्थित करता हूं आप में से कुछ महान विभूतियों ने चिल्ड्रन लिखा है उन सभी के चरणों में सतसत नमन मेरा कोई बात नहीं भाई देखो डॉक्टर या टीचर से कुछ छुपाते नहीं है हमारे सामने तो सारी पोल खुलनी होती है आपकी हम तो सफाई कर्मचारी हैं हाँ है ना सारा कचरा साफ करने के लिए हैं यहां पे सो so, चिल्ड्रन कुछ लोगों ने लिखा है जो आपने लिखा है मैं उसी को यहां पर लिख रहा हूं कुछ लोगों ने चाइल्डहुड भी लिखा है उसने चाइल्डिश भी लिखा है एक आपने नहीं लिखा मैं वो भी ऐड कर देता हूं वो कचरा कहीं छुपा होगा दिल के किसी कोने में तो वो आज साफ ही कर लें, आ जाओ अब ये चार वर्ड यहां पे नजर आ रहे हैं हमने पूछा मैंने पूछा सर बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है आपने कहा सर हमारे पास कोई गरीबी नहीं है भर भर के हम ऑप्शन देंगे आपको यहां एक ही करेक्ट है बेटा ये ऑब्जेक्टिव चीज है ये सब्जेक्टिव नहीं है यहां पर देखिए चाइल्ड कॉमन नाउन है सीधा इसके नीचे लिखा है किसी भी बच्चे के लिए कॉमन शब्द बच्चा है ये बच्चे हो जाता है तो भाई चिल्ड्रन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है ये भी तुम्हारा कॉमन नाउन है फर्क बस इतना है कि चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल है ठीक है तो जिन लोगों ने चिल्ड्रन बोला था आज ये कचरा आपका साफ हुआ चिल्ड्रन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है और पता है ये जवाब कहां से आ रहा है वही रटन विद्या घटंती बुद्धि बचपन में याद आ रहा है ऐसे लाइन खींचते थे इधर चाइल्ड इधर चिल्ड्रन सर ने कुछ ऐसा ही पूछा है तो सर की क्लास में कुछ लटा हुआ काम नहीं आएगा हर जगह समझ लगानी पड़ेगी समझदार होके निकलोगे फिर चाइल्डहुड ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये हुड यहां पे लगा हुआ है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये बचपन का भाव हो गया ये हो गया बच्चे ये हो गया बचपन बचपन का भाव चाइल्ड हुड और चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक -like जिन लोगों ने लिखा है आज ज्ञान बढ़ा लें आप ये दोनों के दोनों शब्दों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल विशेषण है ये एडजेक्टिव है और चाइल्डिश जो है दिस इज नेगेटिव एडजेक्टिव चाइल्ड लाइक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और ये आपके एम टी जैसे एग्जाम्स में फिलर्स के अंदर ये क्वेश्चन दिए जाते हैं बेसिक वर्ड है आइए तो, ये भी क्लियर कर लेते हैं अब जैसे मैं यहां पे सेंटेंस लिखूं अगर एक कि आई एम इम्प्रेस आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर और ये दोनों च्वाइसेज आपको दे दी, दी जाए यहां पर योर चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक बिहेवियर चाइल्ड लाइक बिहेवियर तो आप किसके साथ जाओगे तो मेरे ख्याल से अभी तो सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दोगे क्योंकि मैंने हिंट आपको ऑलरेडी दे ही दिया है अगर मैं इंप्रेस्ड कह रहा हूं तो जाहिर तौर पे आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा और अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब मैं चाइल्ड लाइक -like के साथ जाऊंगा यहां पे चाइल्डिश गलत है लेकिन अगर मैं यहां पर शब्द चेंज कर दूं और मैं यहां पर लिख दू कि आई एम इरिटेटेड बाई आई एम इरिटेटेड बाई योर तो फिर यहां पर क्या लिखना पड़ेगा तब मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर चाइल्डिश बिहेवियर चाइल्डिश बिहेवियर क्योंकि ये एक नेगेटिव शब्द है अब इसका अर्थ क्या होता है वो भी समझ लो जब आप चाइल्डिश कहते हो ना जिसको हम हिंदी में कहते हैं यार क्या बचपना दिखा रहे हो क्या बचपना दिखा रहे हो तुम यानी इम बिहेवियर दैट इज कॉल्ड चाइल्डिश बिहेवियर राइट इम और जब वहीं पे हम कह रहे हैं चाइल्ड लाइक क्वालिटीज और चाइल्ड लाइक बिहेवियर मीन्स वॉट कि आप बच्चे की तरह इनोसेंट हैं बिना किसी मुखौटे के हैं बिना किसी लीपा के हैं दैट इज वॉट चाइल्ड लाइक तो चाइल्ड लाइक का मतलब इनोसेंट होता है और ये देखो ये बिहेवियर तुम्हारा नाउन है कैसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये अभी हम सीखेंगे ये वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना बिहेव का मतलब व्यवहार करना बिहेव से बिहेवियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्यवहार तो कैसा व्यवहार है भाई बचपने वाला और बच्चे जैसा इनोसेंट साफ हो गई कचरे सारे साफ हो गए

देखो अडल्ट से एक शब्द तो जो इसका करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है वो पहले लिख लेते हैं जो कि है अडल्ट हुड अडल्ट क्या है कॉमन नाउन है ना कॉमन नाउन से ही बना रहे हैं पहले कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं तो अडल्ट की हिंदी क्या होती है वयस्क और ये कॉमन नाउन है उन सभी के लिए जो 18 साल से ऊपर है कॉमन नाउन क्या परिभाषा है एक शब्द जो कॉमन हो एक क्लास के सभी के लिए तो जो भी लोग 18 साल से ऊपर होते हैं उनके लिए कॉमन शब्द क्या होता है द कॉमन वर्ड इज अडल्ट अडल्ट इज कॉमन नाउन वयस्क व्हाट वी कॉल एंड अडल्टुड इज वयस्कता वयस्कता दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन द अदर वर्ड यू गेट इज व्हाट अब ये शब्द अगेन अखबार में बहुत आता है अडल्टरी एक शब्द है आ, फिर आपके पास एक शब्द आता है अडल्टरेशन आया ना और एक शब्द और आ जाता है एडालसेंस कई बार ये ऑप्शन में भी दिए जाते हैं बच्चा भी कंफ्यूज होता है तो आज ये सारी कंफ्यूजन दूर कर लो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अकेला तो ये है इसका मैंने बता दिया हिंदी भी बता दिया आपको वयस्कता का भाव हो गया और दिस इज वयस्क लेकिन ये जो शब्द है हमारे पास अडल्ट्री अडल्ट्री का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इलिसिट रिलेशनशिप नाजायज संबंध विवाहेतर संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विवाह से इतर दूसरा

तो इसको कभी मत कंफ्यूज कर लेना अगर मैं इन सारे शब्दों की बात करूं इंडिविजुअल तरीके पे कि इनकी प्रोफाइल क्या है तो सबके सब एब्स्ट्रैक्ट सब नाउन ही है अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन अडल्ट से बनने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है और एडोलसेंस क्या होता है ये किस कॉमन नाउन से पैदा होता है यह पैदा होता है एडोलसेंट से राइट right? तो एडोलसेंट से आपके पास एडोलसेंस आता है तो दिस इज अगेन अ कॉमन नाउन और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में चौदह से अठारह साल का जो प्ली, सर प्लीज डिफाइन इन उर्दू वर्ड्स वाह वाह मेमन आई डोंट नो उर्दू वेरी मच दीवा, uh, दीवा बट जहां पे जरूरत होगी मैं बोलूंगा थोड़ा अच्छा लगता मुझे भी सीखना है मुझे थोड़ा तो हाँ जी वॉट इज अ वर्ड येस वेरी गुड किशोर इसको किशोर बोलते हैं किशोर एंड दिस इज किशोरावस्था किशोरावस्था का भाव पॉइंट सो so, आगे गड़बड़ नहीं करनी कुछ ये बहुत बेसिक शब्द हैं लेकिन जहां गड़बड़ होती है मैं सीधा पहले आपको वहीं पे छेड़ रहा हूं जहां आप कंफ्यूज होते हैं अब देखो अगला एक और कॉमन नाउन है आप अपनी कॉपी में उसी हिसाब से नोट करते चलिए अब ये भी एक वर्ड है वुमन वुमन भाई किसी भी महिला को महिला कहोगे वुमन कहोगे दैट इज अ कॉमन वर्ड बट इफ आई आस्क यू दैट वट इज द एब्सट्रैक्ट नाउन यू गेट आउट ऑफ दिस वर्ड सो अगेन यू मेक कम अपू थ्री ऑप्शन एंड आई एम गोइंग टू राइट दोज जो आप बोलोगे मैं पहले ही लिख देता हूं वुमनहुड ये करेक्ट है इसका वुमन से बनने वाला जैसे चाइल्ड से चाइल्ड हुड था मैन से मैनहुड है वुमन से वुमनहुड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन दो शब्द और यहां से निकल रहे होते हैं जिसमें वुमन का इस्तेमाल होता है और आप उसमें कंफ्यूज होते हैं आज वो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं ओमनिश देखो, जो है ये abstract noun है, है? ये ये ठीक और दोनों शब्द आपके क्या राइट वुमनली इज पॉजिटिव एंड वुमनिश इज नेगेटिव तो वुमनली का इस्तेमाल किसके लिए होता है वुमनली का इस्तेमाल आप किसी महिला की किसी लेडी की पॉजिटिव जो क्वालिटीज हैं आ, उसको पुट फॉरवर्ड करने के लिए आप उमली का इस्तेमाल करते हो जैसे अगर मान लो सेंटेंस में दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर समझ आता है ना अगेन आई एम इन बाय हर और अगेन ये दोनों ऑप्शन आपको दे दिए जाए और यहां पे लिखा हो ग्रेस तो आप किसके साथ जाओगे आप जाओगे वुमन ली के साथ राइट right? वहीं पे दूसरा सेंटेंस हिज रेट्स आर एप्सल्यूटली एप्सल्यूटली डिस्टेस्टफुल कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली अभी तो ये सब बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए लेकिन नहीं हम उसको चेक कर रहे हैं कल जब इनके घनचक्कर को देखेंगे ना जैसे आज बधाई हो वाला देखा है हमने और उस तरह से जब आप देखोगे तो आपको और मजा आएगा तब अंग्रेजी थोड़ी सी बेहतर होती हुई फील होगी हमें अब यहां पर जैसे आपको अगर शब्द भरना हो तो आप कौन सा शब्द यहां पर फिल करेंगे दैट इज उमनिश देखो यहां पर शब्द लिखा हुआ है ना डिस्टेस्टफुल नेगेटिव शब्द है तो यहां पर वुमनिश आ गया एनआईएसएच लेकिन यहां पे एक और अच्छी बात है यहां पे आप देख पा रहे हैं हिज का इस्तेमाल हुआ है और अगर मान लो बच्चे को पता नहीं है तो वो कहेगा सर इसमें एरर है हिज की जगह पे हर होना चाहिए हम वुमन का यूज कर रहे हैं ना महिला के लिए लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि वुमनली का इस्तेमाल इन जनरल महिलाओं की पॉजिटिव क्वालिटीज को पुट फॉरवर्ड करने के लिए होता है बट वुमनिश का इस्तेमाल पुरुषों के लिए हो जाता है इन जनरल अगर पुरुषों का ट्रेट्स पुरुषों जैसा ना होकर थोड़ा महिलाओं से मिलता जुलता हो तो अगर कुछ किसी पुरुष में कुछ महिलाओं वाली नजाकत हो अदाएं हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं ट्रेट्स उमनिश ट्रेट्स एंड जो अनमैनली जेस्चर्स हैं आपके अनमैनली पोस्चर्स हैं भावभंगिमाएं हैं उसे कहा जाता है ओमन स्ट्रेट्स uh, आपको याद करना है एग्जाम्पल के तौर पर देन यू कैन सिंपली uh, याद रख सकते हैं जो हमारे मधुर भंडारकर साहब की फिल्में हैं जैसे पेज थ्री है uh, या फैशन है राइट right? तो उनमें कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए हैं ऐसे जो सही नहीं होना चाहिए वैसे स्टूडियो टाइप करना बट सम देर आर सम मेल फैशन डिजाइनर्स एंड द वे दे टॉक द वे दॉक देर हैंड मूवमेंट्स ये सब क्या है ये वूमनिश ट्रेट्स में आ जाते हैं तो एनी anyway, वे तो वूमनिश का यह इस्तेमाल है यह भी क्या है शब्द आपका एडजेक्टिव है ऐसे कुछ और एग्जाम्पल जैसे मान लो थीफ किसी भी चोर को चोर कहोगे कॉमन नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाता है theft, चोरी का भाव ये नहीं कि कंफ्यूज हो रहे हो थीफ और थे क्या है भाई जब तक आप उनको पहचानोगे नहीं आप करेक्ट तरीके से यूज नहीं कर पाओगे ये प्रॉब्लम है किसी भी गुलाम को गुलाम कहोगे और इससे बनने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है स्लेवरी है तो ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए तो ऐसे भरपूर एग्जाम्पल हैं बट जो ज्यादा कंफ्यूजिंग है हमने उनकी बात करी है पीछे वाले बाकी तो आपको पता ही है ठीक है तो एक तो तरीका यह है दूसरा तरीका क्या है टाइम है हमारे पास आइए देख लेते हैं थोड़े थोड़े ही एग्जाम्पल लेके क्लियर कर लेते हैं कोई बात नहीं अगला तरीका है वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का एग्जाम्पल ले लेते हैं आ, जैसे ग्रो है शब्द ग्रो वर्ब है और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा ग्रोथ आया ना ऐसे नो वर्ब है जानना इससे ज्ञान बन जाता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नॉलेज ऐसा ऐसे ही लाफ है 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 और फिर आ जाता जाता लाफ्टर लाफ्टर हो जाता है, हंसी तो लाफ्टर क्या है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तभी तो सब्जेक्टिव है आया ना अब वही बात है कि आपकी मुस्कान किसी को घायल कर सकती है जो आपका समवन स्पेशल है किसी को आपके मुस्कान से कोई फर्क नहीं पड़ता दिन भर मुस्कुराते रहो तो आपकी मुस्कान बहुत सब्जेक्टिव चीज है ना अलग अलग लोग उसे अलग अलग लेंगे अब जैसे uh, माधुरी दीक्षित uh, जी का जो स्माइल है वो बहुत पॉपुलर है और uh, बहुत मिलियन डॉलर स्माइल और क्या क्या एडजेक्टिव लगाया जाता है लेकिन क्या नेने साहब को uh, बिल्कुल वही फर्क पड़ता होगा जो सो so कॉल्ड उनके डाई हार्ड फैंस के लिए पड़ता होगा तो बात वही है कि लाफ्टर इज वॉट सब्जेक्टिव ग्रोथ इज ऑल्सो सब्जेक्टिव ग्रोथ इज ऑल्सो सब्जेक्टिव Uh, जैसे आप हमारा पड़ोसी देश है भूटान अब वहां पे पास वहां पे ग्रोथ की परिभाषाएं बिल्कुल अलग है ऐसा और नो तो वो जीडीपी वाले में विश्वास नहीं रखते वहां हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होती है बिकॉज और दुनिया भर में ये परिभाषाएं बदलने की बात हो रही है बिकॉज इफ इन द नेम ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट हमने पानी और हवा खराब कर दिया जो हमने बनाया नहीं नेचर ने हमें दिया था हमारे जीने के लिए जरूरी भी है तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट तो नहीं है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं अपनी मैयत खोदना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता तो नाउ अक्रॉस द ग्लोब वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट वी नीड टू डिवेलप मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट विच सस्टेनेबल या जिंदा रहेंगे तब तो ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे तो परिभाषाएं बदली जा रही हैं इसीलिए सारी चीजें क्या हैं सब्जेक्टिव हैं और डेवलपमेंट की बात हुई वही एग्जांपल है डेवलप इज व्हाट दैट्स द वर्ब एंड द नाउन यू गेट इज डेवलपमेंट इट सो दैट इज द एबस्ट्रैक्ट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन द फैक्ट ओवर डिस्कस किया है कि एबस्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्टिव थिंग्स एक तो तरीका ये है बहुत सारे शब्द हैं अभी जैसे हमने बिहेवियर वर्ड लिखा था बिहेव भी क्या है आपका वर्ब है और यहां से बनता क्या है भाई बिहेवियर बनता है ठीक है अब इधर आ जाओ एक आखिरी भी समझ लेते हैं कल मटेरियल नाउन की बात करेंगे फिर दोबारा इनको हमें पढ़ना होगा इनसे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हमारे अगला आपके पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कैसे बनाते हैं वही जो एग्जाम्पल आपने बचपन से डट रखा था ही इज एन ऑनेस्ट मैन तो ऑनेस्ट क्या है एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हाट यू गेट इज ऑनेस्टी ईमानदारी का भाव ही इज अ काइंड पर्सन दयालुता का भाव ठीक है ट्रुअल निर्दयी और निर्दयता का भाव ट्रुएल्टी राइट right. so, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स तो कहने का मतलब कि ध्यान रखना बहुत जरूरी है इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट बिल्कुल है कहां पर क्या प्रोफाइल है तो आप सही शब्द कैसे लगाओगे आपने देखा आज हमारे हालात हमें ब्यूटी नहीं पता यार मतलब ब्यूटी नहीं पता प्रैक्टिस नहीं पता ये थोड़ा सोचनीय विषय है ना कोई बात नहीं मेरा काम दोनों है ना सोचना आपको सोचवाना भी है कि कहां सोचो आप थोड़ा कि कहां कहां गड़बड़ है कमियों का भी एहसास करो और फिर उस कमियों को उस गैप को ब्रिजर्व करने की कोशिश हम साथ मिलकर करेंगे तो आज यहीं पे विराम लगाते हैं आज के लिए इतना सफिशियंट है कल मुलाकात करेंगे कल मटेरियल नाउन का भी इंट्रोडक्शन लेंगे यह भी इंट्रोडक्शन है यानी कि खत्म हो गया ये मत सोच लेना कल से फिर से शुरू होगा प्रॉपर नाउन के कॉन्सेप्ट जैसे आज छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आर्टिकल लगाते हो तो वो कॉमन नाउन के तौर पे काम करने लग जाता है वैसे और जो एक्सेप्शन वाले कॉन्सेप्ट हैं जहां से आपको एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वो आप देखोगे कल ठीक है कल इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे और आज अगर कुछ भी आपने सीखा हो सर आप डॉक्टर भी हो हाँ बिल्कुल आ, देखो जो एक कोच होता है मेंटोर होता है ट्रेनर होता है टीचर होता है उसको डॉक्टर तो बनना ही पड़ता है ना आपके ही डॉक्टर हैं देखो आपके दिल की बात कितनी समझ में आती है मतलब आप कहां गड़बड़ करोगे क्या बोलोगे सब पहले से पता है और जो बोलने बोलना चाहते हो वो भी जानते हैं तो डॉक्टर ही हैं तो चलिए जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई अगर कुछ भी नया समझ में आया हो तो एक काम कर देना लाइक कर देना मैं बोलता नहीं हूँ सब राइट बट अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपका प्यार आपके कॉमेंट से और लाइक से ही पता लग रहा होता है तो कल अगर आप चाहते होंगे कि कल मैं यूट्यूब पे आ जाऊं क्योंकि जनरली हम तो में पहली क्लास एक बार कर देते हैं कि बच्चों को पता लग जाए कि बैच आया है आ, उतना प्रचार तंत्र हम उसमें विश्वास रखते नहीं बच्चे खुद प्रचार कर रहे होते हैं करियर वेल ऐप का सारे हमारे शिक्षक गढ़ सब इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए तो धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए और बाकी जो क्लासेस होंगी वो ऐप पे होंगी राइट ऐप पे क्लासेस आपको मिलेंगी आई थिंक शायद अगली दो क्लासेस फ्री होंगी उसके बाद फिर आपको बैच में जब आप होंगे तभी आप क्लासेस को देख पाएंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बैच में एनरोल हो जाएं एडमिशन तो परसों से शुरू हो गया था तो आप बैच में एनरोल हो जाइए और फिर सारी कहानी एक साथ शुरू होगी और आने वाले साल में यह साल बड़ा ही क्रांतिकारी रहा बहुत मायनों में आने वाले साल में जो भी एग्जाम्स आपके लाइंड अप हैं जब वो शुरू होंगे तो आप बेहतर तौर पर प्रिपेयर्ड होंगे बहुत सही समय पर यह बैच आया है ठीक है और आप एग्जाम्स के बारे में यहां पे पूछ रहे हैं मैंने बताया ये स्पेशल बैच है एम टी एस लेवल से दसवीं पास उसकी अर्हता होती है वहां से लेकर के सीसीएल सीपीओ सब पूरा और जब हम सीजीएल और सीपीओ की बात कर लेते हैं एस एस सी सीजीएल लेवल तक की बात कर लेते हैं तो देश के नाइनटी फाइव परसेंट एग्जाम कवर हो जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो नाइनटी एट नाइन्टी नाइन कह सकते हो आप इसके ऊपर सिर्फ थोड़ा बैंकिंग आ जाता है जिसके लिए अलग सेपरेट बैच आता है अभी वो भी बैच आया हुआ है बैंकिंग का बैच राइट उसमें हम अलग तरीके से पढ़ते हैं तो अभी पहला टॉपिक वहां पे चल रहा है पैरासल बैंकिंग में ग्रामर इतना नहीं पूछा जाता अप्रोच अलग है क्वेश्चन अलग है इसलिए उसका बैच सेपरेट होता है अदरवाइज आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जहां भी अंग्रेजी पूछी जाती होगी उसको आप लिख रहे हैं तो आपका इस बैच में बिल्कुल वेलकम है स्वागत है चलिए सो धन्यवाद थैंक यू वेरी मच कल आऊ में यूट्यूब पे चलो ठीक है जैसा होगा आप uh, आदेश कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मैं देख लूंगा चलिए तो थैंक यू एवरीवन वन करण प्रीति प्रभात अलकाफ अलकेफ अतुल रोशन अनुज धर्मवीर यूट्यूब पे भी जितने साथी देख रहे थे आप सभी को नमस्कार थैंक यू वेरी मच इंक्लूडेड इंक्लूडेड है है विक्रम uh, है, बट कहानी खिचड़ी मिक्स थोड़ी होगी जब एक टॉपिक पूरा होता है तो वो कैब करते हैं वो कैब की क्लासेस दो टॉपिक के बीच में भी हो जाती हैं रोज भी हो सकती हैं अगर गुंजाइश बनती है जैसे सवा घंटे का बैच है तो लास्ट के दस पंद्रह मिनट वो हम कर सकते हैं चलिए तो दैट्स ऑल फाइनल बाय बाय कल मिलते हैं कल इसके आगे प्रोसीड करेंगे थैंक यू